पाहिजे लग्नच पाहिजे लग्नच पाहिजे कोण म्हणते लग्नार नाही लग्नाशिवाय नमस्कार दोस्तों, मैं सायली साड़के और आप देख रहे हैं एफ बी लाइव। दोस्तों, बाजी नगर सेवक दरोगा पांडे ने अपने शाखा के बाहर लगा ये बहुजन विकास आघाड़ी का जो झंडा है वो निकाल के अपना झंडा लगाया है। इसी के चलते ये जो भाई है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिरकार ये क्या मामला है। सर, ये आप आंदोलन कर रहे हैं झंडे के लिए, कि आखिरकार ये क्या मामला है? सगळ्यात पहिले जय भीम, 15 दिवसापासून आम्ही पोलीस स्टेशनला पंकज दरोगा पांडे जे माजी नगर सेवक आहे त्यांनी जे आमच्या झेंड्याची विटंबना केली, आमचा झेंडा काढून घेतला, हे गंभीर प्रकरण आहे। त्या गंभीर प्रकरणासाठी 15 दिवसापासून आम्ही त्यांच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करतो ॲट्रॉसिटीचा। आणि आमचा परत मागणी आहे की आमचा झेंडा ज्या जागेवर होता ज्या जागेवर लागला पाहिजे, कारण आमच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे। तर 15 दिवसापासून पोलीस प्रशासन त्याच्यामध्ये काहीच करत नाही आहे। ते सांगतात की विधिमंडळाकडे आम्ही फाईल पाठवलेली आहे, त्यांचा अभिप्रायाची अजून वेळ आहे। तर एक प्रकारचं शीतलतापण आहे या पोलीस प्रशासनामध्ये दिसून येतो आहे। तर आम्हाला वेळेवर टाईमवर टाईम देत आहे, त्याच्यामुळे आम्ही आज अर्धनग्न आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। त्या अर्धनग्न आंदोलन त्याद्वारे आता आमचे वरिष्ठ काही लोक आतमध्ये गेलेले आहेत, त्यांच्यानंतर आम्हाला पुढचं माहिती पडेल। तर इस पूरे विषय पे पोलीस आयुक्त का क्या कहना है? पोलीस प्रशासन का यही कहना है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो ऊपर विधि जो मंडल रहता है उनका, जो पीपी प्रोसिक्यूटर रहता है, उनके पास भेजा है। वहाँ से अभिप्राय उनका रिप्लाई आना अभी तक बाकी है, इसकी वजह से हमको टालम टाल करते जा रहे हैं। तो जिस नगर सेवक ने, जिस माजी नगर सेवक ने ये काम किया है, उनसे कुछ बातचीत हुआ है, उनका क्या रिप्लाई था इस पूरे? पोलीस प्रशासनाने याच्यासाठी आमचे काही वरिष्ठ लोक आणि त्यांना पण बोलवण्यात गेलेलं, पण त्यांनी काही टायमापुरतं बोललेलं की मी करून देतो, झेंडा लावून देतो, पण पोलीस प्रशासन एक प्रकारचं दुपट्टी बाजू घेत आहे। तर त्याच्यामुळे आम्हाला काही समजत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही अर्धलग्न आंदोलन इथं आयोजित केलेलं आहे। सत्ताधारी के पास से ये सब होना, बघा त्यांची सत्ता आहे, त्यांची ते सत्ताधारी लोक आहेत, ते माजी असले तरी केंद्रामध्ये बसलेले आहेत। काही वरिष्ठ लोकांचे आमदार खासदार म्हणा या, अजून काही मंत्रिमंडळ असू द्या, त्यांचा मला वाटतं पोलीस प्रशासनावर दबाव असू शकतो, त्याच्या कारणानं या प्रकरणामध्ये शीतलता आणली असेल। जो नीले झंडे का अपमान किया गया काट के, जो बाबा साहेब का प्रतीक है, आज संविधान लिखने वाला जो आदमी है उसकी कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो बातों को काटा गया, वो झंडा नहीं काटा गया, उनकी बातों को काटा गया है। आज हम नीला झंडा, हम सबका अभिमान, हमारा गर्व है कि बाबा साहेब ने हमको नीला झंडा, हमको हमारे पहचान के लिए तो बहुजन समाज के लिए दिया है। आज उस झंडे को काटा गया, जिन लोगों ने, हम प्रशासन से 10-12 दिन से करेस्पॉन्डेंस कर रहे कि जिन लोगों ने काटा गया है उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए और झंडा लगाया जाए, लेकिन प्रशासन उनकी है तो ये कहीं ना कहीं ये लोग दबाव में आके हमारी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे, और इसीलिए आज हम लोग ने आर्दन ये शर्ट निकाल के आंदोलन किया गया है। हम अपने हक, इंसाफ, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हम लोग ने संविधानिक तरीके से इंसाफ की आह्वान किया है। हमने इसका इंटीमेशन दिया गया पुलिस को कि अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम करेंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, और आगे से स्टेप बाय स्टेप जैसा बाबा साहब ने संविधान के हिसाब से हमको बताया गया है, संविधान के हिसाब से अभी प्रशासन के हिसाब से, बाद में न्यायालय के अंदर हम डेफिनेटली मूव करेंगे, और प्रशासन के साथ अपोजिट में हम इसके विरोध में हम लोग न्याय तक जाने की कोशिश करेंगे और अपना हक इंसाफ लड़ेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे वारदात के बारे में? पूरा वारदात के बारे में यही बोलूंगी, हमारा 12 साल से वहाँ झंडा था और हम लोग घर पे थे नहीं, दरोगा पांडे ने हाथों से कटवा के नाले में फेंकवा दिया, उसका अपमान किया तो हमारे पूरे समाज का अपमान किया, और वही झंडे के लिए हमने आज पुलिस चौकी के सामने उतर गए। आज आधे कपड़े पर उतरे हैं, कल पूरे कपड़े से उतार देंगे। मैडम, मेरा कहना ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम दो सुभाष गौड़ जिसका नाम है, मेरा नाम अहमद इदरीसी है, उस झंडे का देख रेख हम लोगों में था। तो सुभाष गौड़ चला गया था गांव और मैं भी नहीं था। पंकज पांडे दरोगा ने अपने समर्थकों के साथ झंडे को निकाला और पाइप को नीचे से काट दिया। उसके बाद जब वो आया गांव से तो देखा तो झंडा नहीं था। फिर हम लोगों ने अप्लाई किया कि हमारे झंडे को लगाया जाए, लेकिन वो अपने समर्थक के साथ हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया,
तो हम लोगों ने वहाँ से छोड़ कर पुलिस चौकी का सहारा लिया। पुलिस चौकी में हम लोग गए, लेकिन पुलिस चौकी हमको टाल मटोल कर रही है, बहाने बता रही है, और हमारा कोई सुनवाई बराबर से नहीं हो रहा। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा नीला झंडा लगाया जाए, अगर उन्होंने ये गुनाह किया है तो उस गुनाह के एवज में उनको सजा दी जाए, हमारी ये मांग है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम पूरी कोशिश रखेंगे कि हम आंदोलन जारी रखेंगे, पूरा लास्ट तक हम जारी रखेंगे। इस पूरे मामले के बारे में हमने भाजपा के पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे से संपर्क करने की कोशिश की है, पर उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। नागरिकों का ये कहना है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुजन समाज को समर्पित किए नीले झंडे को अपमानित करने की कोशिश पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे ने की है, उससे बहुजन समाज नाराज है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक सामान्य आदमी अगर ये काम करता है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द गुनाह दाखिल किया जाता है, उसके ऊपर एक्शन ली जाती है। पर एक माजी नगर सेवक जब ये गुनाह करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाती, प्रशासन उसके ऊपर दिरंगाई कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या ये माजी नगर सेवक जो दरोगा पांडे है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो खुद आके इनकी माफ़ी मांगते हैं, या फिर इसके ऊपर कुछ अलग ही राजनीति दिखाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावन के साथ मैं साइली चाके एम बिलर।